And with this, I just finished the meeting. I hope we have given you information with this, you will be satisfied. And don't worry, we're on track. And with your support, we'll do great things. Thank you. इस तरह काम करते थे बहुत अच्छा लग रहा है। Thank you, ma'am. Business ना तुम्हारे खून में है। And when you call for the shots, I love it. पर ये देख के बहुत दुख हो रहा है कि तुम युविका के अंडर काम कर रहे हो। I don't like it. हेलो। जो पीएल की फाइल थी, जो होल्ड पे रखी थी, just keep me posted on that, alright? Thanks. जहाँ तक मुझे याद है पीआईएल तो तुम लोग फाइल कर चुके थे ना पेपर रेडी थे फाइल करने वाले थे बट युविका ने होल्ड पे रखवाया था कहा था सही वक्त आने पे फाइल करेंगे और यश और नील की जो कनेक्शन की इनफॉरमेशन थी उसे कब रिलीज कर रहे हो अभी नहीं बहुत बड़ा मूव है मॉम पर उस कनेक्शन का जो प्रूफ था वो मिल गया Absolutely. So, what is it? Bata. Have some patience, mom. Bataunga. नील का एक्सीडेंट हुआ था या करवाया गया था किसी और को पता है नहीं मम लगता तो नहीं क्योंकि अगर पता होती तो अभी तक जंग छिड़ चुकी होती तो ये इंफॉर्मेशन का क्या करने वाले हो डीजे वेट एंड वॉच मदर क्योंकि मैं अपनी पहली चाल चल चुका चाल तुम क्या करने जा रहे हो इसका मतलब कि युविका महाजन को पता चल गया है और उसके पास प्रूफ भी है कुछ तो बहुत बड़ा चल रहा है इस हॉस्पिटल में पहले तो मुझे सिर्फ शक था मुझे लगा था कि सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव गड़बड़ी होगी लेकिन यहाँ के डीन का मर्डर आई मीन मर्डर ही होगा जिस तरीके से वो वहां पे थे यानी कि मेरे नील के साथ जो कुछ भी हुआ वो किसी की गलती नहीं हो सकती वो कुछ और बड़ा था क्या हो रहा है तो मुझे ये भी नहीं पता कि
गिल की मौत का रीजन क्या है? एक्सीडेंट या फिर? ये तो पासवर्ड प्रोटेक्टेड है. कोई नहीं आश, तू आईटी इंजीनियर किस बात का है? ये तो आराम से क्रैक कर लेगा. लेट्स गो. दिस इज वियर्ड. हर ट्रांसप्लांट की सारी डिटेल्स हैं सिवाय डोनर के नाम के, और मेरे ट्रांसप्लांट के बारे में तो लिखा ही नहीं गया. देयर इज नो एंट्री एट ऑल. कि मेरा ऑपरेशन हशहश में तो नहीं हुआ था सही में, लेकिन अगर होता भी तो भी बेसिक डिटेल्स तो होते. कहीं युविका सच तो नहीं कह रही थी कि नील का दिल जबरदस्ती लिया गया है, यानी इलीगल ऑर्गन ट्रेड. नील का दिल चुराया गया था यश, जबरदस्ती किसी ने नील का दिल इलीगली ट्रेड किया था. क्या मामा को इस बारे में पता था कि ये सब कैसे हुआ है? एक सवाल का जवाब ढूंढने चला था, हजारों खड़े हो गए. वाओ, हम भी गणेश चतुर्थी सेलिब्रेट करते हैं? बहुत पुरानी परंपरा है. तुम इस घर में पली बड़ी नहीं हो, पर जब से तुम आई हो कुछ ना कुछ लगा रहा. पर तुम्हारे आने के बाद से हम ये अवसर यानी गणेश चतुर्थी सेलिब्रेट ही नहीं कर पाए. ये परंपरा हमारे दादाजी शांति प्रसाद महाजन जी ने शुरू की थी. इनफैक्ट एक कहानी है जो दादा बाबू मुझे बचपन से सुनाते हैं. क्या थी दादा बाबू? हाँ, कि दादाजी को ये मूर्ति सपने में आई थी और उस सपने के थ्रू इस मूर्ति तक पहुंचे थे. तब से आज तक हम इसी मूर्ति को हर साल सजाते हैं और दूध में विसर्जन करते हैं, यू नो, सिंबॉलिकली. इनफैक्ट जब मैं 5 साल का था तब से मैं और दादा बाबू ही परंपरा को आगे लेके जा रहे हैं. आई एंजॉय इट. राइट दादा बाबू? तो फिर तो हमें पिछले साल भी सेलिब्रेट करना चाहिए था. राइट, डोंट माइंड सिस्टर. एक्चुअली तुमने आके पिछले साल इतना रायता फैला दिया ना कि दादा बाबू ने मना ही कर दिया कि हम गणेश चतुर्थी नहीं सेलिब्रेट करेंगे. इनफैक्ट इस साल भी मना कर रहे थे, बट मैंने कहा नहीं, हम इस साल सेलिब्रेट करेंगे. ट्रेडिशन इज ट्रेडिशन. राइट दादा बाबू? दिग्विजय, परंपरा आस्था से निभाई जाती है, इसलिए नहीं कि किसी ने शुरू की थी. और वैसे भी लकीर का फकीर बने रहने में मेरा बिल्कुल विश्वास नहीं. राइट दादा बाबू? इनफैक्ट अगर आप चाहते हैं कि युविका ये ट्रेडिशन आगे लेके जाए तो बिल्कुल, क्योंकि युविका ही अगली वंशज है. भगवान वंशज में या फिर किसी और में कोई भेदभाव नहीं करता. जो भी परंपरा आस्था से निभाएगा उसे भगवान आशीर्वाद जरूर देगा, फिर चाहे वो देव हो या दानव. राइट दादा बाबू? आफ्टर ऑल रावण भी शिव जी के सबसे बड़े भक्त थे. जेल में पढ़ाई की थी, गीता महाभारत सब. रहने दो दिग्विजय, मैं तुम्हारा तात्पर्य समझ रहा हूं. चलो गुड युविका, अच्छा हो तुम आ गए. अब इस ट्रेडिशन के बारे में और हम इस घर में कैसे क्या चीज करते हैं उसके बारे में सीख लो. जानती हो बेटे, गणेश जी को विघ्नहर्ता भी कहते हैं, लेकिन भक्त को उन्हें बताना पड़ेगा कि उसका विघ्न क्या है. युविका बेटे, उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए तुम्हें उनसे प्रार्थना करनी होगी, और ये मेरा पूर्ण विश्वास है कि वे तुम्हें निराश बिल्कुल नहीं करेंगे. और दादा बाबू, अगर कुछ कीमती खो गया हो तो
जो वापस भी नहीं आ सकता, तो क्या वो भी? बेटा, जो तुम मुझसे नहीं कह सकती हो वो तुम भगवान से अवश्य कह सकती हो। देखो उनकी मूरत को, तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब उन्हीं में मिलेंगे। कान इनके इतने बड़े कि ये सबकी सुन लेते हैं, और पेट इनका इतना बड़ा कि ये सबकी सुनकर भी सब कुछ बचा कर रहते हैं। हाथ में हमेशा लड्डू मिलेगा, वो भी अपने लिए नहीं, अपने भक्त जनों के लिए प्रसाद के रूप में। किसी को भी निराश नहीं करते, और ये भी मत भूलना बेटे कि भगवान का ये रूप उनकी लीला है, क्योंकि सच तक पहुंचने के लिए लीला तो करनी ही पड़ती है। बेटे, कहते हैं भगवान की लीला अपरंपार है। दिग्विजय, तुम आओ मेरे साथ, कल की तैयारी की लिस्ट मैं तुम्हें देता हूं। जी दादा बाबू। थैंक यू दादा बाबू, थैंक यू गणेश जी। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।